चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है इस साल की सबसे बड़ी मोस्ट अवेटेड फिल्म है। 5 साल के बाद एक बार फिर से सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों की इस फिल्म में खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन यदि आपने सलमान खान को रिलीज से पहले स्टंट करना देखना चाहते हैं तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान की एक तस्वीर की सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया है। जी हाँ, इस पोस्टर में सलमान खान बेहद ही खतरनाक स्टंट करते हुए दिख रहे हैं। टाइगर जिंदा है नाम से ट्विटर पर बने एक पेज पर इस तस्वीर को शेयर किया गया है। इस फिल्म की लीड फोटो बताई जा रही है वह टाइगर जिंदा है कि क्लाइमेक्स का हिस्सा हो सकती है। फिल्म की शूटिंग अबू धाबी में जोर शोर से चल रही है। इस फोटो में सलमान खान स्टंट करते हुए साफ दिख रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन अली आवाज जफर कर रहे हैं। इससे पहले वो सलमान खान के साथ सुल्तान का निर्देशन कर चुके जो भोज बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। टाइगर जिंदा है के सीक्वल एक था टाइगर का निर्देशन कबीर खान ने किया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सलमान खान की ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर इसी साल रिलीज किया जाएगा। फिल्म का आखिरी हिस्सा शूट किया जा रहा है। इसके बाद मुंबई में पोस्ट प्रोडक्शन का काम जोर शोर से चालू होगा। शूटिंग की अन्य तस्वीरें भी सामने हमेशा लीक रहती है जिसमें कई अन्य लोग हथियार लेकर दिखाई दिए गए हैं। बताया जाता है कि सलमान खान 10,000 राउंड फायर के बीच शूटिंग करने वाले हैं। टाइगर जिंदा है के एक्शन डायरेक्टर टॉम हैं। फिल्म के लिए सलमान ने घुड़सवारी की भी ट्रेनिंग ली है। टाइगर जिंदा है की कुछ तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया जिसे दर्शकों ने बेहद ज्यादा पसंद किया है। इसके अलावा अली आवाज जफर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था जिसे सलमान के फैंस ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है।